अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है इसे दबाने के बाद हमें आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पे टिक कर लीजिएगा सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अलग अलग तरह की टेक न्यूज, रूमर्स और लीक्स वगैरह। मैं उसमें दे रहा हूँ, आप सभी का स्वागत है टेक इरा फॉर यू की हिंदी टेक न्यूज में। दोस्तों यहाँ पे जो पहली खबर है, कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही कि नोकिया का 3, नोकिया का 5, नोकिया का 6 और नोकिया 3310 ये स्मार्टफोन जल्दी हो सकते हैं लॉन्च इंडिया में, मतलब मई एंड तक या फिर जून फर्स्ट वीक ऐसे जून के स्टार्टिंग में ये लॉन्च हो सकते हैं। इसी के साथ जो अच्छी और काफी बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, नोकिया और भी अपने स्मार्टफोन्स और एंड्रॉइड फोन्स मतलब और भी लॉन्च कर सकता है, इसी के साथ अपने और भी फीचर फोन वगैरह भी लॉन्च कर सकता है, इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो वह है एक रिपोर्ट्स वगैरह कुछ निकल के आ रही है जो एक कंसेप्ट बता रही है मैक प्रो का, और जो कि काफी इनोवेटिव काफी फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है मैक प्रो से रिलेटेड। अगर आप इसके बारे में गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपके इसके काफी वीडियो वगैरह देखने को मिल जाएंगे। मगर इस कंसेप्ट से ये है कि आपको इसमें जो आने वाले टाइम पे हो सकता है ऐसा मैक सिस्टम में आपको देखने को मिल जाए, मैक प्रो वगैरह में इतनी ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप सिंपल एक डेस्कटॉप के आप जो सिंपल सीपीयू देखते हैं उसमें आपको काफी एक इनोवेटिव और काफी इनोवेशन प्रोडक्ट्स वगैरह फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और वो काफी फ्लेक्सिबल होने वाला है, मतलब आपकी जो पोर्टेबिलिटी का जो एक्सपीरियंस आपका उसमें काफी अच्छा होने वाला है, इसमें ज्यादा हेडेक नहीं होगा आपका। जिस तरीके से इस कंसेप्ट में देखा जा रहा है कि आपको जैसे हम सीपीयू खोल देते हैं पूरा खोल के, यहाँ से ग्राफिक कार्ड चेंज करो, यूएसबी पोर्ट पीछे रहता है, ये सब के आपका इतना ये सब झंझट बिल्कुल नहीं होने वाला है उसमें। तो दोस्तों अगली खबर की अगर हम बात करें तो है Xiaomi की तरफ से निकल के आ रही है, Xiaomi Mi Max 2 में आपको हो सकता है देखने को मिल जाए स्नैपड्रैगन 626 का प्रोसेसर। इसी के साथ उसकी कुछ लॉन्चिंग वगैरह से रिलेटेड लीक्स वगैरह निकल के आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि अगले हफ्ते जो कि आने वाला हफ्ता है उसमें आपको देखने को मिल जाए Xiaomi का Mi Max 2। अगर हम इसके कुछ टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि स्नैपड्रैगन 626 का आपको इसमें हो सकता है प्रोसेसर देखने को मिल जाए जो कि ऑक्टा कोर होने वाला है, और इसी के साथ आपको जो ये प्रोसेसर है ये 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये प्रोसेसर होने वाला है। और अगर हम इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो हो सकता है ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे रन करे, और इसी के साथ आपको इसमें एक और वेरिएंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि इसमें रैम डिफरेंस वाले स्टोरेज वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, 32 GB हो सकता है और एक हो सकता है आपको 128 GB वाला स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाए। और जिससे कि कुछ रूमर्स निकल के आ रही है उसके मुताबिक आपको इसमें देखने को मिल सकती है 6 GB की रैम। अगली खबर की अगर हम बात करें तो वह वो भी Xiaomi की है, Xiaomi का एक हो सकता है स्मार्टफोन एक और लॉन्च करते हैं Xiaomi Mi 6 प्लस, इस तरीके से कुछ रूमर्स निकल के आ रही है, और हो सकता है ये स्मार्टफोन 19 अप्रैल को लॉन्च हो जाए। और अगली खबर जो निकल के आ रही है वो भी Xiaomi से ही है, Xiaomi का Mi Note 3 हो सकता है लॉन्च, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, और जो इसकी आई कैचिंग की खबर है मतलब जो इसकी खासियत है वो है 8 GB की रैम, इसमें आपको 8 GB की रैम देखने को मिल सकती है, और इसी के साथ जो प्रोसेसर हो सकता है इसमें आपको हो जाए प्रोसेसर देखने को मिल जाए स्नैपड्रैगन 835, जो कि इस तरह की कुछ रूमर्स और रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। अगली अगर हम रूमर्स और लीक्स की बात करें तो वो है Moto C Moto C Plus, इनकी तो मैं ऑलरेडी आपको अपने पिछले टेक्निक में बता ही चुका हूँ, मगर अब Moto E4 की भी लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि Lenovo की तरफ से मोटरोला जल्दी Moto E4 जो कि एक बजट कैटेगरी का फोन होने वाला है इसे लॉन्च कर सकता है, इस तरह की कुछ रूमर्स और लीक्स निकल के आ रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और आपके जो भी सवाल या सुझाव हो सके दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भूलिएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं हूं सुमित, आपसे जल्दी मिलूंगा इसी तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगले वीडियो में, चेक इट आउट फॉर यू से।